दोस्तों वैसे तो आपने खतरनाक जानवरों को दूसरे जानवरों का शिकार करते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसी घटनाएं बताने जा रहा हूँ जो आपके होश उड़ा देंगे। क्रोकोडाइल। जब ये मगरमच्छ इस मछुआरे को घायल और मरने जैसी हालत में मिला तो उसने मगरमच्छ को अपने पिछले हिस्से में ले जाकर उसकी तब तक देखभाल की जब तक कि वो बिल्कुल ठीक ना हो गया हो। बाद में मगरमच्छ को दोबारा से नदी में छोड़ दिया गया, लेकिन सभी तब चौंक गए जब मगरमच्छ अगले ही दिन वापस घर लौट आया। इसके बाद तो वो मगरमच्छ रोज उस मछुआरे से मिलने आने लगा जैसे वो उसकी फैमिली का हिस्सा हो। फ्रेड एंड डेनिस। डेनिस जो कि एक छोटी बतख थी जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस भेड़िये ने उसकी माँ को मार डाला था वो उससे बचकर निकल जाएगी, लेकिन किस्मत से उसे फ्रेड नाम के एक कुत्ते ने भेड़िये के चंगुल से बचा लिया था, जिसके बाद से फ्रेड और डेनिस आज भी दोस्त के साथ एक साथ रहते हैं। चिकन एंड पप्पीज। इस मुर्गी को कुछ ही समय बाद किसी के लिए पकाया जाना था, लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ ही और लिखा था। जब मुर्गी को पकाने के लिए ले जाया गया तब उसे किसी ने गोद ले लिया और उसे कुछ कुत्तों के बच्चे के साथ एक टोकरी में रख दिया गया। इसके बाद वो मुर्गी उन बच्चों की देखभाल और अपने शरीर से गर्म रखने लगी जैसे वो उसकी माँ हो। पिपिन एंड केट। ये हिरण का बच्चा जब छोटा था तो एक औरत को जंगल में घूमते हुए मिला। उस औरत ने सोचा कि अगर वो इसे इस हालत में अकेले छोड़कर चली जाती है तो कोई भी बड़ा जानवर उसका शिकार कर लेगा, इसीलिए वो उसे अपने साथ घर ले जाती है जहां उस हिरण की मुलाकात उस घर के कुत्ते से होती है। वो दोनों कुछ ही दिनों में अच्छे दोस्त बन जाते हैं, यहाँ तक कि साथ में खेलते हैं और साथ में ही खाना खाते हैं। दोस्तों क्या जानवरों में भी इंसानों के जैसे फीलिंग्स होती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थेम्बा एंड अल्बर्ट। थेम्बा तब बहुत छोटी थी जब उसने उसकी माँ को खो दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी एक हाथी से दोस्ती हो गई जो थेम्बा के लिए एक अच्छी बात थी, क्योंकि हाथी के साथ रहने की वजह से कोई भी शिकारी उस पर हमला करने से डरता था। जब थेम्बा को हाथी से अलग किया गया तो थेम्बा ने खाना खाना बंद कर दिया, लेकिन जब वो वापस हाथी से मिला तो उसने वापस खाना खाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों क्या इंसानों की भी दोस्ती जानवरों से हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।